देश के प्रमुख त्योहारों में दीपावली का अपना अलग ही महत्व है। दीपों के त्योहार दीपावली में दीयों का अपना महत्व है। पश्चिमी सभ्यता के प्रभावी होने के कारण हम दीपों की दीपावली से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे में केंद्र सरकार की एमएसएमई योजना के तहत छोटे कारोबारियों को अनुदान सहित तमाम सुविधाएं उपलब्ध कराकर सरकार इन्हें पुनर्जीवित करने का प्रयास कर रही है। इसका असर इस प्रकार देखने को मिल रहा है कि प्रदेश के कई हिस्सों के साथ ही उधमसिंह नगर के किच्छा में भी पिछले कुछ समय से लघु व्यवसायियों द्वारा निर्मित स्वदेशी दीयों की मांग अब धीरे धीरे बढ़ने लगी है। मिट्टी से दीये और अन्य बर्तन बनाने वाले किच्छा के लघु व्यवसायी गजेंद्र प्रजापति का कहना है कि दीये बनाना उनका पुश्तैनी काम है। वहीं मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 5 लाख का लोन मिलने के बाद उन्हें अपने कारोबार को आगे बढ़ाने में काफी मदद मिली है। उन्होंने बताया कि बाजार में इस समय स्वदेशी दीयों की मांग पहले की अपेक्षा काफी बढ़ी है, जिससे उन्हें अधिक मुनाफे की उम्मीद है। जी, सरकार ने हमें मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत 5 लाख का लोन दिए थे जी, और उसके बाद हमने सारी ये मशीनें वगैरह ली हैं, मिट्टी वगैरह लेके आए हैं, सब ये सारा काम हमने उसी से किया था सर, सरकार के तहत, और इसमें हमें प्लस सब्सिडी भी मिली है सर, इसका भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं सरकार का जी। इस बार बाजार बढ़िया है सर, पहले लोग लड़ी वगैरह लगाते थे चाइना, तब चाइना का ना सामान लेकर के अपने अपने स्वयं का ही जो अपने हाथ का बना हुआ मिट्टी के दिया वगैरह हैं, इसको यूज ज़्यादा कर रहे हैं सर। वहीं मुख्य विकास अधिकारी मनीष कुमार ने बताया कि जनपद में विभिन्न योजनाओं के तहत स्वयं सहायता समूह और व्यक्तिगत लाभार्थी प्रधानमंत्री की मुहिम वोकल फॉर लोकल के तहत स्थानीय उत्पादों को उत्पादित करते हुए विपणन कर रहे हैं। देखिए, जैसा कि आपको विदित है कि स्वयं सहायता समूह जो है वो हमारे लोकल स्थानीय उत्पादों का जो है वो निर्माण करते हैं और उन्हीं का विपणन भी करते हैं। तो जो माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी की एक मुहिम है वोकल फॉर लोकल, उसी के तहत ये सभी उत्पाद जो हैं हम लोग इसको क्रियान्वित कर रहे हैं, उत्पादों का निर्माण कर रहे हैं और उत्पादों का विपणन भी कर रहे हैं, क्योंकि पूरी वैल्यू चेन के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और हमारे यहाँ रीप की टीम, एनआरएलएम की टीम और ग्राम्य विकास की टीम जो है सभी इन कार्यों में लगी हुई है, और अन्य सभी संबंधित विभागों का हम लोग सहयोग भी प्राप्त कर रहे हैं।